Hey friends, it's time for self-pampering. Hair spa एक बहुत ही essential part है हमारे beauty regime का. हमारे styling products, straightener और pollution से subjected होने के बाद ये ज़रूरी है कि अपने बालों को आप spa treatment की luxury दें. क्यों ना हम घर पर ही money and time save करके with no और less chemicals से अपने बालों को pamper करें. So here we go. Step 1. बाल और आज मैं बालों को स्पा ट्रीटमेंट दूंगी. यह है दो ऑयल्स की कॉन्कॉक्शन, एक होहोबा ऑयल और दूसरा कोकोनट ऑयल है, तो दूसरे ऑयल्स भी यूज कर सकती है. आप ऑयल को हल्का सा वार्म करके यूज करें और रूट से लेके बालों के टिप तक अच्छे से उसे मालिश करें, और हो सके तो स्कैल्प में भी कुछ देर के लिए जंपी करें. याद रखें कि ऑयल अच्छे से बालों में लगे ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके. और हाँ, बालों को स्पा करने से पहले क्लीन रहे ये ध्यान रखें. बालों को स्टीम देने के लिए हमें चाहिए हॉट वाटर और एक टॉवल. हम अपने बालों में टॉवल को हॉट वाटर में डिप करके अच्छे से निचोड़ करके लपेटेंगे इस तरह से. मिनट्स तक टॉवल को बालों में ऐसे ही रहने दें. अब एक माइल्ड शैम्पू से और ल्यूकवॉर्म वाटर से अपने बालों को धोने के बाद हम कंडीशन करेंगे. या तो आप अपना कंडीशनर यूज़ कर सकती हैं, या हम ऑल नेचुरल होम मेड कंडीशनर भी बना सकते हैं. इसके लिए मैंने टी लीव्स को बॉयल करके उसका पानी छान लिया है और आधे नींबू को निचोड़ करके उसका रस इस पानी में मिला लिया है, और इस कंडीशनर को अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करके 5 मिनट्स तक छोड़ें, फिर पानी से रिंस ऑफ कर लें. फॉर सिल्की शाइनी हेयर के लिए हम होममेड हेयर मास्क बनाएंगे. एक या दो ओवर राइप बनानास अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे. याद रखें, जितना राइप बनाना होगा उतना ईजिली आपके बालों से छूटेगा. फिर होममेड कर्ड या दही अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इसमें यूज़ करेंगे. एक टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे. आप चाहे तो इसमें आमंड ऑयल या कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. एक टीस्पून या 1.5 टीस्पून आपके बालों के लेंथ के अनुसार इसमें हनी ऐड करेंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अगर आप एग खाते हैं या यूज़ करते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी इसमें एग डालना. आप कर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एग से, क्योंकि एग आपको और भी ज़्यादा शाइन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ये लीजिए, हमारा हेयर मास्क रेडी है टू बी अप्लाइड ऑन द हेयर. आफ्टर शैम्पूइंग और कंडीशनिंग अब हम हेयर मास्क अप्लाई करेंगे अपने बालों पे. इसके लिए छोटे छोटे सेक्शंस करके बालों में हम फ्रॉम रूट टू द टिप एम्पल अमाउंट ऑफ हेयर मास्क अप्लाई करेंगे. स्कैल्प में रूट में हल्का हल्का मसाज करते हुए पूरे लेंथ में हम अप्लाई करेंगे. फिर इस सेक्शन ऑफ हेयर को अच्छे से सर्कुलर मोशन में राउंड बनाते हुए एक नॉट बना लेंगे.
इसी तरह एक दूसरा सेक्शन लेंगे इसमें भी अच्छे से स्कैल्प में मसाज करते हुए एम्पल अमाउंट ऑफ हेयर मास को रूट तक के बालों के अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसी तरह सेक्शनिंग करते करते हम अपने सारे बालों को एक नॉट बनाते हुए एक खोपा बनाते हुए जूड़ा बनाते हुए टाई कर लेंगे। अब हम इस जूड़े बनाए हुए बालों पे एक शावर कैप लगाएंगे और अराउंड 30 मिनट्स तक के वेट करके अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेंगे। नार बाद बालों को वॉश करके शावर लेके हेयर वी आर विथ आर शैम्पूड हेयर। अब मुझे बाल मेरे बहुत मैनेजेबल लग रहे हैं और सॉफ्ट लग रहे हैं, जबकि मैंने अभी तक कॉम्ब भी नहीं किया। ये था हमारा हेयर स्पा सेशन। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।